तो बिजनेस आज तक में सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था की नाजुक हालत को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कमर कस ली है। लेबर कानून में छूट से लेकर जमीन अधिग्रहण और उद्योग धंधों को लगाने के लिए आसान मंजूरी देकर विदेशी निवेशकों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसके अच्छे नतीजे भी मिलने शुरू हो गए, लेकिन इस बीच घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने पर भी जोर देने की जरूरत है। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था तहस नहस होने की कगार पर है। जहान पर जान भारी पड़ रही है। अब जरूर जान के साथ साथ जहान पर भी सरकार जोर दे रही है। इसका सुखद नतीजा आने की भरपूर उम्मीद है। अभी तक आए तमाम रिसर्च और रेटिंग एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक भी इस साल तो विकास दर गड्ढे में लुढ़केगी, लेकिन अगले साल ये फर्राटा लगाने को तैयार नजर आती है। इसकी एक बड़ी वजह भारत में चीन से बढ़ती नाराजगी के बीच आने वाले विदेशी निवेश को माना जा रहा है। ये एक मौका है, इसमें हमने जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो जनवरी के एंड में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसमें हमने लिखा भी था असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, जो और उसमें जो हमने रणनीति बताई है नेटवर्क प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में असेंबल इन इंडिया करने का, तो वो उस रणनीति को का उसको उसका अमल करके हम ये जो एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। सरकार भले ही अभी विदेशी निवेश से जुड़े अनुमान लगाने से बच रही हो, लेकिन राज्यों ने निवेश को लुभाने के लिए माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। यूपी और एमपी समेत अब राज्यों ने लेबर कानूनों में ढिलाई देने का ऐलान किया है, जिससे उद्योग धंधों को कामकाज में अड़चने न आए। कर्नाटक ने उद्योगों को सीधे किसानों से जमीन खरीदने की छूट दी है, जिससे उद्योगों को अब 3 साल की जगह 30 दिन में प्लांट लगाने के लिए जमीन मिल जाएगी। सरकार के इन कदमों का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक एप्पल चीन से 20% मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भी एप्पल भारत में अपना रेवेन्यू बढ़ाकर अगले 5 साल में $40 अरब तक ले जाना चाहती है। एप्पल के अलावा भी ऑटोमेटिव, खिलौने, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग, फुटवेयर, गारमेंट्स जैसी कई इंडस्ट्री भारत आ सकती हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए केवल विदेशी निवेश के भरोसे रहने की गलती नहीं की जा सकती। भारत को अपना घरेलू औद्योगिक ढांचा भी दुरुस्त करना होगा। मिसाल के तौर पर हम गोवा के खनन उद्योग की बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गोवा में सारी माइनिंग लीज रद्द करने के बाद से यहां के लोग परेशान हैं। कोरोना संकट के कारण गोवा के टूरिज्म सेक्टर का हाल पहले से ही खस्ता हो चुका है और आय का दूसरा साधन माइनिंग भी ठप पड़ा है, जिसके हाल फिलहाल खुलने की उम्मीद भी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक गोवा की कुल जनसंख्या 14 लाख है, जिसमें से तकरीबन 3 लाख लोगों को खनन उद्योग से रोजगार मिलता था। टूरिज्म के पूरी तरह से खत्म होने के बाद गोवा के पास रेवेन्यू का कोई जरिया नहीं है। गोवा के कुल रेवेन्यू में खनन की हिस्सेदारी करीब 35 अरब की है। ऐसे में कोरोना काल में टूरिज्म के बंद रहने से अब माइनिंग ही सहारा है। टूरिज्म इज गॉन आउट ऑफ द रडार। द इकोनॉमी ऑफ दिस स्टेट इज हैविंग नो अदर एवेन्यूज टू गेट रेवेन्यू, सो देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रीस्टार्टिंग ऑफ द माइनिंग एक्टिविटी। मौजूदा समय को देखते हुए इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। हालांकि डिमांड में कमी होने के कारण अभी इस इंडस्ट्री को उबरने में समय लगेगा। द इंडस्ट्री इज लिंपिंग बैक अपार्ट फ्रॉम गोवा इन ऑल अदर प्लेसेस, इट इज ट्राइंग टू लिंप देमसेल्व्स बैक टू द यू नो टू द ऑपरेटिंग साइकिल। इट विल टेक सम टाइम, आई बिलीव इट विल टेक मे बी अराउंड 2 to 3 quarters मोर, बिकॉज इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ द माइनिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन। There has to be a demand, and today, as we are seeing, overall the demand is very, very poor. गोवा के खनन उद्योग जैसे बहुत सारे उद्योग यहाँ कानूनी पचड़ों और दूसरी अड़चनों के चलते बंद हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि सरकार विदेशी निवेश के साथ साथ घरेलू और पारंपरिक कारोबार को भी बढ़ाने के लिए कदम उठाए। आज तक ब्यूरो।
बिजनेस आज तक पे अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बिज तक।